उदयपुर में अगर आप रीजनेबल प्राइस पे एक अच्छा होटल ढूंढ रहे हैं विद स्विमिंग पूल जो सिटी पैलेस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे होटल मुकुंद विलास। होटल का फ्रंट व्यू आपके सामने है। ये होटल गुलाब बाग रोड पे ओल्ड सिटी ब्रह्मपुरी उदयपुर में पड़ता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, रोड जो है वो काफ़ी खुली और साफ़ सुथरी भी है। और इस रोड पर कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता और ना ही कोई ट्रैफिक की कोई समस्या होती है। चलिए अब हम एंटर करते हैं और पहले आपको मैं रिसेप्शन दिखाता हूँ यहाँ की। तो ये रही होटल की रिसेप्शन। यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा है इन लोगों ने। और यहाँ से जो ये जो सामने दिख रहा है, ये आपका कॉन्फ्रेंस रूम है। यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट और रात के टाइम डाइनिंग अरेंजमेंट भी यहीं पे ही होता है। अब क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो यहाँ पे आप कोई बिजनेस मीटिंग भी करवा सकते हैं अरेंज, और अगर कोई पार्टी या फंक्शन आप चाहते हैं यहाँ कराना, तो वो भी अरेंजमेंट हो सकती है। यहाँ से बाहर निकलते ही आपका कैफेटेरिया आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं स्विमिंग पूल के साथ। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हमें यहाँ की सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छी लगी, और यहाँ का खाना जो था वो सुपर्ब था। और यहाँ पे मैं हर एक को रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ का शाही पनीर, दाल मखनी और सूप ज़रूर ट्राई करें डेजर्ट के साथ। और इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको यहाँ के शेफ और यहाँ की मैनेजमेंट से भी मिलवाऊंगा। स्विमिंग पूल के बाद अब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ के रूम्स कैसे हैं। ये एक 3-स्टोरी होटल है और हर फ्लोर पे अप्रोक्स 9 से 10 कमरे मिलेंगे आपको। और सारे रूम्स का जो डिज़ाइन और इंटीरियर है वो भी सबका सेम है। और रूम्स के बाहर इन्होंने राजस्थानी आर्ट्स और पेंटिंग से सब कुछ डेकोरेट कर रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ खड़े होकर आप यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू देख सकते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको यहाँ के जो रूम्स हैं वो दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जो रूम्स हैं वो काफ़ी स्पेशियस हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी हैं। और ये आप यहाँ का बाथरूम देख सकते हैं कैसा है। ये भी ठीक ठाक स्पेशियस है और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है। यहाँ पे आपको अलमीरा भी दी जाती है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसमें आप अपना लगेज भी रख सकते हैं और बाकी भी कोई भी सामान आप अपना यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बाकी रूम आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है।
यहाँ से विंडो का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद अब हम चलते हैं गार्डन एरिया में फिर से, क्योंकि वहाँ पे एट प्रेजेंट एक शादी का जो है वो अरेंजमेंट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर एक स्मॉल फैमिली गैदरिंग या कोई भी तरह की पार्टी आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी खुली जगह है, आराम से हो सकती है वो सब चीज़ें। और यहाँ पर आप वैसे पूल साइड पार्टी भी अरेंज कर सकते हैं। बाकी हम रात में यहाँ पे म्यूज़िक का अरेंजमेंट करते हैं, जो कि हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। और ये एज यू कैन सी, जो कल रात को अरेंजमेंट हुई थी शादी की, वो अब पूरी तरह पूरी हो चुकी है। और ये कुछ इस तरह से इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। चलिए अब हम राकेश जी और यहाँ के जो शेफ़ हैं मुकेश जी, उनसे मिलते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। तो राकेश जी हमारे साथ हैं, ये आपको मुकुंद विलास की किचन के बारे में आपको बताएंगे। तो राकेश जी बताइए कुछ। ये हमारा किचन है। ओके, वो हमारे शेफ साहब ही है। हाँ जी, ये हमारे शेफ साहब हैं, इनके नाम मुकेश जी। मुकेश जी ये अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ हाँ, पंजाबी, साउथी, चाइनीज, अच्छा। ओके, और स्पेशलिटी वैसे क्या क्या आपकी यहाँ पे? अच्छा, और मतलब आपका जैसे मैरिज वगैरह का भी अरेंजमेंट होता है, वो भी ये शेफ ही करते हैं? अच्छा, आइए आप भी आ जाइए। ये ओए होए, ये आपने देखे मुकेश जी के तड़के। तो ये आपके हमारे शेफ जी और राकेश जी, और बताइए कुछ। वो हमें बहुत स्वाद लगा आपका खाना, हम लोग रुके थे, मतलब बहुत टेस्टी था और हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। ओके, थैंक यू। अब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इस तरह की होटल्स और विलास वाली जो वीडियोस है उसकी एंडिंग हम हमेशा म्यूज़िक के साथ करते हैं। तो इसी परंपरा को आगे जारी रखते हुए अब हम अपना म्यूज़िक का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनली इस वीडियो में जो गाना बजाया गया है, उस गाने का नाम है एक प्यार का नगमा है, पर वो गाने में कॉपीराइट आ रहा था, तो इस वजह से हमने जो है इस गाने को रिप्लेस करके एक वेस्टर्न क्लासिकल गाना इसमें डाल दिया है। और अगर आपको वो गाना सुनना हो हिंदी वाला, तो उसका लिंक जो है वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाके वो सुन सकते हैं।
लावी है पगले।